गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है एमसीए इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज तीसरा एपिसोड है, ठीक है? दो एपिसोड और आएगा जिसमें आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अनुष्का गिव्स 33.13% ऑफ हिज इनकम टू विराट एंड स्पेंड 50% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन क्लॉथ्स एंड इन लास्ट सी लेफ्ट विथ आरएस 220। फाइंड आवर इनकम, इसका इनकम निकालना है, ठीक है? एक बार आप ट्राई कीजिए, इसको मैं बनाता हूँ, उसमें बता दूंगा कि ये कैसे बनेगा, ठीक है? या मैं ही इसको बनाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है? इसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कि जो पल परसेंटेज लिख लेते हैं, तो 33.13% है, ठीक है? इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/3 होता है। अब नेक्स्ट देखिएगा, विराट स्पेंड 50% ऑफ द रिमेनिंग। ये रिमेनिंग वर्ड हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? कितना दिया हुआ है, 50%। तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, ठीक है? ये क्वेश्चन बनाया था रिमेनिंग वाला, ठीक है? मान लीजिए उसके पास पहले 3 रुपया था, ठीक है? 1 रुपया खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 2 रुपया बचा, 2 रुपया बचा ना जी। अब मान लीजिए यहाँ पे फिर रिमेनिंग जो है 50%, उसमें 2 रुपया था, उसको 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा, 1 रुपया। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ 3 रुपया था, 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, रिमेनिंग 2 हुआ, ठीक है? पहले 2 रुपया था, 1 रुपया खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1 रुपया बचा। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ये सामने सामने आप डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 6 और यहाँ लिख लेते हैं 2। ये जो आपका दिया हुआ वैल्यू, ये रिमेनिंग है, क्या है, रिमेनिंग वाला है। और ये जो है आपका ओरिजिनल वैल्यू है, क्या है, ओरिजिनल नंबर या ओरिजिनल वैल्यू है आपका, ठीक है? पर क्वेश्चन का क्या रहा है, वो जो घर गई है, ठीक है, कितने रुपए लेके साथ गई है, 1270 रुपये लेके गई है। दो नहीं, कितना होगा, 1270 होगा। 1270 दो के कितने गुना है, तो आप देखिएगा ये है 635 गुना है, ठीक है? जो ओरिजिनल वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इसे 635 गुना हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा आपका आंसर, 3810 आपका आंसर होगा, ठीक है? इतना आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपको फिर से मैं समझाता हूँ। अनुष्का गिव्स 33.13% ऑफ हिज इनकम टू विराट एंड स्पेंड 50% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन क्लॉथ्स एंड लास्ट सी लेफ्ट विथ आरएस 1270। जो घर गई है उसके पास कितना पैसा बचा है, 1270 रुपया। फाइंड हर इनकम, उसका इनकम पता करना है, ठीक है? पहले के अनुष्का के उसके पास जो टोटल पैसा है उसका 33.13 क्या कर रहा है, विराट को दे दे रही है। मतलब 3 था तो 1 विराट को दे रही, तो उसके पास बचा 2। फिर देखिएगा रिमेनिंग मनी ऑन क्लॉथ 50% ऑफ द रिमेनिंग, जो पैसा बचा है 50%, जो जितना बचा है उसका 50% मतलब 2 रुपया अगर उसके पास बचा है, तो 1 रुपया क्या कर रही है, कपड़ा पे खर्च कर दे रही है। देखिएगा यहाँ जो है 2 से 1 बचा हुआ है। अब इसको रेशियो मेथड से निकाल लेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, या 2 1 जा 2 हो जाएगा। पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपका ये रिमेनिंग वाला पार्ट है, तो 2 रुपया नहीं बचा है। क्वेश्चन में कितना करा है, 1270 रुपये लेके घर गई है, तो 2 से कितने गुना ज्यादा है, 635 गुना आपका ज्यादा है। ये भी जो क्वेश्चन हो जाएगा, जो उसका इनकम हो जाएगा, 6 नहीं होगा, कितना गुना हो जाएगा, 6 × 635 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा, 3810 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम बेस पे है, ठीक है? सेम पैटर्न पे इसको आप बनाइए, ठीक है? आपको 15 सेकेंड मिलता है, इसको बनाइए आप। जहां भी आपको रिमेनिंग शब्द मिले, ठीक है, तो सेम मेथड यूज करना है, ठीक है? जहां भी रिमेनिंग दिखे इस टाइप के क्वेश्चन में, रिमेनिंग, तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको बनाना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं सोचना है, ठीक है? इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और कमेंट में आंसर जरूर बताइए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राम गिव्स 20% ऑफ हिज इनकम टू श्याम, कितना दे रहा है, 20% दे रहा है, ठीक है? तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। नेक्स्ट पढ़ा जाए, एन स्पेंड 12.12% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ए फूड, जो पैसा बचा है उसका 12.12% किस पे खर्च कर दे रहा है, फूड पे खर्च कर दे रहा है। यहाँ लिखेंगे 12.12% किस पे खर्च कर दे रहा है, फूड पे। इसका फ्रैक्शन कितना है, होता है 12.12 का, इसका फ्रैक्शन होता है 1/8, ठीक है? आगे चलते हैं, एंड 14.27% ऑफ द रिमेनिंग मनी ऑन ट्रांसपोर्ट, जो जितना बचा था उसका 14.27% किस पे खर्च कर दे रहा है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दे रहा है। किस पे, ट्रांसपोर्ट पे, किसका, 14.27% का किस पे खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन जो होगा आपका होगा 1/7 हो जाएगा, ठीक है?
अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है, एंड लास्ट ही लेफ्ट विद RS 2100 रुपया, 2100, जो उसके पास लास्ट में जो पैसा बचा है कितना बचा है, 2100 बचा हुआ है, उसका इनकम फाइंड करना है। देखिए पहले 5 था, ठीक है, एक क्या किया श्याम को दे दिया, तो कितना बच गया, 4 यहाँ पे बचा, ठीक है। पहले 8 था, 8 था पहले, उसमें से एक खर्चा कर दिया फूड फूड पे, तो उसके पास कितना बच गया, 7 बच गया। अब यहाँ देखिए पहले 7 था, एक किस पे खर्चा कर दिया, ट्रांसपोर्ट पे, इसके पास बचा कितना, 6 है। चलिए इसको रेशियो में इसको लिख लेते हैं, तो पहले 5 था तो बचा कितना, 4, उसके बाद 8 था बचा कितना, 7, यही ना बच रहा है, उसके बाद 7 था बचा कितना, 6। अब इसका निकाल लेते हैं, ठीक है, रेशियो मीटर से। मैंने बताया था कि अगर रेशियो में आप ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 4 2 8 हो जाएगा, ये 7 7 कट हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा, तो हमारा कितना रेशियो आया, 5:3 आया। ये वाला जो पार्ट होता है वो रिमेनिंग होता है, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, ओरिजिनल होता है, ये वाला जो होता है ओरिजिनल होता है, ये वाला इसमें रिमेनिंग हो जाएगा। रिमेनिंग 3 नहीं होगा, कितना दिया हुआ है, 2100 दिया हुआ है, कितने गुना है 3 से, तो 700 गुना है 3 से, ठीक है। तो ये भी जो हमारा जो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, इसमें इनकम दिया ओरिजिनल नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, 700 गुना हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3500, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको, ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, इसको तो ट्राई कीजिए, फिर इसके लिए मैं देता हूँ आपको 15 सेकेंड, आप ट्राई कर लीजिए। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। अमन स्पेंड 20% ऑफ इन इनकम ऑन फूड, क्या कर रहा है अमन, 20% जो उसके पास टोटल पैसा है उसका किस पे खर्च कर रहा है, फूड पे खर्च कर रहा है, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग जो बचा है उसका 5% रिमेनिंग किस पे खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्ट पे, एंड देन ही डोनेट्स RS 120, क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है कितना, 120 रुपया, एंड ही स्टिल एट विथ RS 1400, अभी भी उसके पास कितना पैसा है, 1400 रुपया पैसा। मान लीजिए आप गए कहीं पे, ठीक है, कुछ सामान खरीदे, मान लीजिए 100 रुपया है, आप 80 रुपया सामान खरीद लिए, बच्चा के पास 20 रुपया, रास्ता में क्या कीजिए, 10 रुपया दोस्त को दे दीजिएगा, तो आप घर वाले थोड़े मानेंगे, आप घर वाले समझेंगे कि आप 20 रुपया आपको बचा हुआ है, या जो बचा हुआ मनी क्या हो जाएगा, जो डोनेट किया है ए और ए, 1400 दोनों एड हो जाएंगे, 1400 प्लस 128 हो जाएगा, तो जो जो कि आपका बचा हुआ मनी कितना हो जाएगा, 1520 हो जाएगा, यही होगा आपका रिमेनिंग मनी जो घर वो बचा के ले जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, अमन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% खर्च कर दे रहा था, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है। आगे पढ़ते हैं, एंड हिज इनकम ऑन फूड एंड 5% रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट, 5% क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है रिमेनिंग का, तो 5% क्या हो जाएगा, 1/20 फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए इसको मान लीजिए 5 था, ये खर्च कर दिया तो कितना बचा, 4, यहाँ 20 है, 20 में से ये खर्च कर दिया तो कितना बचा, 19 बचा, यहाँ लिख लेंगे 5:4, यहाँ क्या लिख लेंगे, 20:, कितना लिखेंगे जी, 20:19 लिखेंगे, यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब आगे देखिएगा, या 4 से 5 टाइम में कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होता है रिमेनिंग होता है, ये वाला क्या होता है, ओरिजिनल होता है, आपका ओरिजिनल नंबर होता है, जो इनकम होगा चाहे कुछ भी दिया होगा, तो ओरिजिनल रिमेनिंग कितना बचा है, जो रिमेनिंग पार्ट है 19 नहीं, कितना बचा हुआ है आपका, 1520 बचा हुआ है, तो 1520 आपका कितने गुना होगा बताइए, तो ये होगा आपका 80 गुना ज्यादा होगा, ठीक है, 80 गुना होगा 19 के, तो ये वाला जो भी पैसा हो जाएगा वो कितने गुना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 80 गुना होगा, जो कि आपका होगा कितना होगा बताइए, ये होगा आपका 2000 हो जाएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही तो पूछा आपका इनकम, तो इनकम वाला ये हो गया, रिमेनिंग पार्ट ये हो गया, तो ऐसे ही तो सोल्व होगा, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही सोल्व होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बनाइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपको मिलता है 15 सेकेंड, इसमें थोड़ा भी घबराना नहीं है, ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिए।
चलिए आपने ट्राई किया इसको। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या है। किसी लाइब्रेरी में, ठीक है, इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक्स आर हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इन इंग्लिश एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर इन फ्रेंच। इफ द रिमेनिंग क्या दिया हुआ है, इफ द रिमेनिंग 2700 बुक्स आर इन रीजनल लैंग्वेज, जो बचा हुआ बुक है क्या है रीजनल लैंग्वेज में, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। तो पूछा क्या लाइब्रेरी में टोटल बुक कितना है, पहले हम लोग परसेंटेज लिख लेते हैं ना, जैसे हमेशा करते हैं हम लोग। 20% है, ये कौन सा बुक है आपका, हिंदी का है, ठीक है, ये हिंदी का 20% बुक क्या हो जाएगा, हिंदी का होता है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 50% जो बुक है वो क्या चीज़ का, इंग्लिश का है, तो 50% बुक क्या है इंग्लिश का है, तो 50% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 होता है। और जो लास्ट वाला इंग्लिश का बुक है, इंग्लिश का वो कितना हुआ है 30%, तो 30% का फ्रैक्शन क्या होता है 3/10 हो रहा है। अब चलिए इसको रेशियो में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। जब इसको रेशियो में अरेंज करेंगे, मान लीजिए 5 बुक था जिसमें से एक आपका हिंदी है, तो बच गया कितना, 4 बच गया, तो यहाँ 4 हो जाएगा। मान लीजिए 50% जो आपका बुक इंग्लिश है, ठीक है, तो 2 और टोटल बुक उसमें से एक इंग्लिश का था, आपका कितना बच गया था, 2:1 हो जाएगा। सपोज दैट यहाँ 10 मान लीजिए टोटल बुक है जिसमें से 3 इंग्लिश का है, तो बच कितना गया 7, तो जो बचा हुआ वो रहेगा वो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, इतना आपका क्लियर हुआ। चलिए आपको कट कर लेते हैं जो जो कटने वाला है, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नहीं कितना है, 1700 है, तो कितने गुना है ये बताइए, ये है आपका 1100 गुना है, कितना 1100 गुना, ये जो भी हो जाएगा, ये ओरिजिनल नंबर चाहे ओरिजिनल बुक पूछा है, टोटल बुक पूछा है, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 1100 गुना होगा। जो 1100 गुना कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपका लगभग कितना आएगा, 2750 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा जो टोटल बुक है। ये वाला जो पार्ट होता है रिमेनिंग होता है, ये वाला क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे स्टार्ट दे लीजिएगा, ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगा, एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, ठीक है। नंद किशोर गिव्स 35% ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ एंड 50% टू हिज सोन, द रिमेनिंग 450 ही केप फॉर हिमसेल्फ, जो बचा है 450 वो अपने लिए रख लेता है, हाउ मच मनी डिड नंद किशोर है, तो बताना आपका नंद किशोर के पास कितना पैसा बचल है, ठीक है, ये तो बताना है क्वेश्चन हमें, तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सोल्व करेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 35% ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ, 35% किसको दे दे रहा है, 35% किसको दे दे रहा है, अपने पत्नी को दे दे रहा है। अब 50% पैसा किसको दे रहा है, 50% रुपया किसको दे रहा है, अपने बेटा को दे रहा है। इसमें रिमेनिंग नहीं दिया हुआ है, यहाँ लास्ट में रिमेनिंग परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, रिमेनिंग आपका पैसा दिया हुआ है, तो मैं बताता हूँ, तो आपका टोटल कितना हो गया, 85% हो गया। अब बचा कितना, 100 में से 85%, ठीक है, पत्नी और बेटा को दे दिया, तो बचा कितना, 15% ना बचा जी, 100% में से 85 माइनस कीजिएगा 85%, तो आपका बचेगा कितना, 15% बचेगा, पर 15% किसके बराबर है, 450 के बराबर है, जो रिमेनिंग पैसा उसके पास बचा है, तो बताना है कि हाउ मच मनी डिड नंद किशोर है, नंद किशोर के पास कितना पैसा बचा है, मतलब 100% बताना है, तो यहाँ 1% का वैल्यू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, 1% 1% आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, जब इधर 2 को 0 लगेगा तो इधर भी 2 को 0 लग जाएगा जी, तो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, तो उसका जो टोटल पैसा था कितना था, 3000 रुपया था, जिसमें से क्या किया, 35% किसको दे दिया, पत्नी को, 50% दे दिया बेटा को। ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का नोट कीजिएगा, इसमें देखिएगा आप परसेंटेज में रिमेनिंग कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका बन जाएगा इजी वे में, तो घबराना नहीं है क्वेश्चन देकर, ठीक है, थोड़ा भी नहीं घबराना है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा, अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, इसी बेस पे होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 होल 1/2% एंड उसका ब्रेथ डिक्रीज कर रहा है कितना, 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा वो बताना है आपको। सपोज डेट यहाँ क्या हो रहा है, पहले तो हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेना है किस में,
सॉरी परसेंटेज किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो आपको पता है 37/1/2% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/8 हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए उसका जो ब्रेथ है, ठीक है, चौड़ाई कितना डिक्रीज कर रहा है, 20% डिक्रीज कर रहा है। कितना, 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 हो रहा है। तो आप देखिएगा, आप इसमें इंक्रीज कर रहा है किस में, इसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है। तो मान लीजिए पहले 8 था, 3 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें देखिएगा 20% में डिक्रीज कर रहा है, जो ब्रेथ है वो डिक्रीज कर रहा है। मान लीजिए पहले 5 था, अब एक घट जा रहा था, कितना हो जाएगा, डिक्रीज होकर 4 हो जाएगा। तो अब इसको रेशियो में इसको अरेंज कर लेते हैं। तो पहले 8 था, अब 3 यहाँ पे बढ़ गया, तो कितना हो जा रहा है, 11 हो जा रहा है। ये क्या है, इसका लेंथ है। ठीक है, अब देखिएगा ब्रेथ में क्या हो रहा है, ब्रेथ में पहले 5 था, ठीक है, 20% घट रहा है, 20% का फैक्टर होता है 1/5। तो पहले 5 था, अभी घट गया, तो कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, आराम से सोल्व होगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, आपको पता है एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। ये पुराना वाला लेंथ ब्रेथ है, ये नया वाला लेंथ ब्रेथ है। तो यहाँ क्या करेंगे, 40 हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ पुराना वाला, जो नया वाला क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो पूछ रहा है फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया में कितना परसेंट का बदलाव आया। तो यहाँ देखिएगा 4 ही ना बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 40 पे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, 4 × 40 कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, इसको काट कीजिएगा। 1/10 कितना परसेंट होता है, 10% होता है। यही तो पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही तो बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, अगला क्वेश्चन सेम पे है, ठीक है, सेम पैटर्न पे इसको सोल्व कीजिए। इसका आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, पहले 15 सेकेंड आपको मिलेगा इसके लिए। इसका ऑप्शन है आपका 25%, 50%, 75% और आपका नॉन ऑफ दीज। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, आसान क्वेश्चन है, पिछले वाला जो क्वेश्चन है उसी के है। ठीक है, ट्राई कीजिए सोल्व करने का, देखिए क्या होता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 12/1/2%, क्या कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है क्या लेंथ, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 31/1/3%, इसका ब्रेथ भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, फिर एरिया फाइंड करना है कि कितना बढ़ा कितना घटा है, घटा है। तो क्या करेंगे, पहले जो हम लोग करते हैं वही जो करते आए हुए वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है, 12/1/2% हो रहा है। ठीक है, तो इसका आपका क्या होता है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, इसका फ्रैक्शन आपका होगा क्या होगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए 8 था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। आगे चलो, उसका जो ब्रेथ है क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, कितना इंक्रीज कर रहा है, 33/1/3% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/3। मान लीजिए पहले 3 था, 1 बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग रेशियो में इसको अरेंज करते हैं। तो लेंथ पहले कितना था, 8 था, अब कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। जो उसका ब्रीथ है, चौड़ाई है, पहले कितना था, 3 था, अब कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, अब इसको जो कटने वाला है उसको कट कर देते हैं। आपको पता है इसको हम लोग क्रॉस कट कर सकते हैं रेशियो में। तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, या 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो 2:3 हो जाएगा। मान लीजिए पहले का जो उसका एरिया था, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, यहाँ 2 × 1 है, 2 हो जाएगा, यहाँ 3 1 है, यहाँ पे 1 है ना बच रहा है जी, कटने के बाद यहाँ भी कटने के बाद 1 ही ना बचा है, 1 है, तो 3 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा। तो देखिएगा पहले कितना चेंज हो रहा है, 1 चेंज हो रहा है, कितना पे चेंज हो रहा है, 2 पे चेंज हो रहा है। 1/2 आपका कितना होता है, 1/2 फ्रैक्शन आपका कितना परसेंटेज होता है, तो आपका 50% होता है, जो कि आपका ऑप्शन है बी। और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा, तो देखिए क्या करना है, 1/2 को या × 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से 50 मल्टीप्लाई काटिएगा, तो 50 टाइम्स में कट जाएगा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 50% आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको पूछता है और सब एमसीए एग्जाम में पूछा हुआ है, तो घबराना नहीं है, इसको आप पढ़िए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन जो होगा इसी पैटर्न पे होगा, उसको आप बनाइएगा। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए पढ़ने का। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3, सो 5/3 से मल्टीप्लाई करना है, गलती से कितना से कर दे रहा है, 3/5 से कर दे रहा है। व्हाट इज द परसेंट एरर इन द कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन किया होगा उसमें कितना एरर परसेंटेज आया हुआ है, यही बताना है। क्या होता है, यही बताना है क्या है, पहले उसको 5/3 से करना था। ठीक है, कितना से करना था, 5/3 से करना था, लेकिन गलती से कितना से कर दे रहा है, 3/5 से कर दे रहा है।
इसको देखिए कैसे निकालेंगे, क्या करना, कोई ऐसा नंबर लेना है कि जो दोनों से कट जाए, या 15 होगा ठीक है, या 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, यहाँ भी 15 से कर देंगे, जो दोनों से कट जाएगा, तो या 5 3 जाए कितना हो जाएगा 9, और 3 5 जाए कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा या 9 हो जाएगा, उसको करना था 25 लेकर दे रहा है 9 से, तो कितना का अंतर हो रहा है जी, यहाँ देखिएगा 16 का अंतर हो रहा है, किस पे अंतर है, तो 25 पे अंतर है, 16 का अंतर किस पे है 25 पे, तो ऐसे लिख देंगे। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, जैसे मैंने बताया था यहाँ पूरा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको कट करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 64 जाए कितना होता है 64% आपका आंसर हो जाएगा, देखिए कितना ईजी है सोल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए, इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है, ट्राई कीजिए, 10 सेकेंड आपको मिलेगा, ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ऑप्शन आपका रहेगा इस बार, आपको ऑप्शन मैं देता हूँ 34%, ऑप्शन ए, बी आपका रहेगा 44%, सी आपका रहेगा 54%, डी आपका रहेगा 64%, और ई आपका रहेगा नॉन ऑफ दिस। चलिए इसको बनाइए, बना लेना चाहिए, अब पिछला वाला क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे था, आपको अब तो आपको आ जाना चाहिए, अब तो आप इतना परसेंटेज पढ़ लिया ना कि आप सब सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, बस 2 लेक्चर और बचा हुआ है, उसके बाद आपका परसेंटेज कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे एमसीए एग्जाम में पूछे जाते हैं, एमएचसीटी एमसीए में तो खासकर जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, एमएचसीटी एमसीए के लिए ये वाला चैनल बहुत बेनिफिशियल है खासकर, ठीक है, क्योंकि उसमें मैथ में इंक्लूड है क्या एप्टीट्यूड, इसमें क्या रीजनिंग और एप्टीट्यूड, नीमसेट में रीजनिंग और एप्टीट्यूड है, उसमें क्या है ना अर्थमेटिक का एक अलग ही सेक्शन है जो मैथ में इंक्लूड है, उससे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएगा, ठीक है, और तो एमसी नीमसेट वाले तो ये बेस्ट है, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो आएगा आपका रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, 30 चैनल पे आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड आपका दोनों कम्प्लीट कराया जाएगा, 40 आता है टोटल नंबर क्वेश्चन, मेरा टारगेट रहेगा आप 30+ सोल्व करके आओ, ठीक है, कम से कम आपका जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड से जो आपका मार्क्स उठे वो आपका 200+ उठे मार्क्स, ठीक है, ये मेरा टारगेट रहेगा, और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, मैं आपको सब ट्रिक वगैरह सब पढ़ाऊंगा, ठीक है, चलिए क्वेश्चन में मूव करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट मेरा टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है, क्या है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 6 बाय 5 इंस्टीड ऑफ 5 बाय 6, देखिए क्या हो रहा है, उसको 5 बाय 6 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, गलती से कितना से कर दे रहा है 6 बाय 5 से कर दे रहा है, यही तो हुआ है उससे गलती, फिर क्या करना है, परसेंटेज एरर कैलकुलेशन करना है, कितना उससे गलती हुआ है, क्या करना, कोई ऐसा नंबर लेंगे जो 6 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, तो 30 होता है, तो यहाँ भी 30 कर लेंगे और यहाँ भी 30 कर लेंगे, तो 6 5 जाए क्या होता है 30 कट जाएगा, यहाँ 5 6 जाए कट जाएगा जी, यहाँ क्या होगा 25 हो जाएगा या 36 हो जाएगा, करना था उसको 25 से, गलती से क्या हो गया उसको 36 हो गया मल्टीप्लाई, तो कितना चेंज हुआ है, यहाँ 11 का चेंज आया है, किस पे आया है 25 पे आया है, तो 11 बाई 25 यहाँ हो जाएगा, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने बताया था ना इसे 100 कर देंगे, तो 25 4 जाए 100 हो जाएगा, तो 11 4 जाए क्या हो जाएगा 44 आपका आंसर होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपका ऑप्शन सही है कौन सा, बी वाला ऑप्शन सही है, समझ में आ गया, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए घबराइएगा मत, देखिए इसको मैं कैसे बताता हूँ कैसे सोल्व होगा, ठीक है, थोड़ा भी नहीं घबराना है बच्चों, थोड़ा भी नहीं घबराना है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर परचेज फ्यू आर्टिकल्स फॉर अ 73,642, ही सोल्ड 2 बाई 5 ऑफ देम एट 30% प्रॉफिट, कैलकुलेट द परसेंट प्रॉफिट एट विच ही मस्ट सेल द रिमेनिंग सो दैट ही मे गेन 90% ओवरऑल, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसके पास कुछ सामान है, ठीक है, उसमें से क्या कर रहा है 2 बाई 5 मतलब टोटल जो जितना है उसका 2 बाई 5 30% प्रॉफिट पर बेच दे रहा है, और देखिए रिमेनिंग उसको पता नहीं कितना बेच रहा है, लेकिन जो टोटल है वो 90% प्रॉफिट ओवरऑल होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मानिए 2 बाई 5 है, अब 5 उसके पास टोटल है, ये वाला क्या होता है टोटल होता है, ओरिजिनल नंबर होता है टोटल होता है, ठीक है, यही आपका होता है, तो मान लीजिए 5 उसके पास टोटल है, ठीक है, 2 को बेच दिया, 2 को किस पे बेचा है, 2 को बेचा है कितना पे 30% प्रॉफिट पे बेचा है, तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, अब मान लीजिए 5 में से 2 को बेच दिया तो बचा कितना है 3 गुना बचा, अब यही तो पूछा कि कितना बार बेचेगा, मान लीजिए यहाँ 1% लिख देते हैं, यही तो पूछा है क्वेश्चन में कितना बेचिएगा, लेकिन जो कह रहा है जो टोटल है वो कितना बिकना चाहिए 90% प्रॉफिट पर बिकना चाहिए, तो टोटल कितना है 5% है, तो 5% कितना बिकना चाहिए 90% पर बिकना चाहिए, ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक है, 95 में से 26 हटाइए तो कितना आएगा, तभी ना रिमेनिंग निकलेगा जी, मान लीजिए टोटल है और ये उसका कुछ पार्ट बिका है, तो जो पार्ट और निकालना है मान लीजिए ए है, ठीक है, प्लस बी है, आई टोटल है, तो मान लीजिए ए दिया हुआ है बी निकालना है, तो
बी होगा टोटल माइनस ए होगा तभी ना निकलेगा बी। तो मान लीजिए 95 में से 26 घटाइए तो कितना आएगा आपका, या आपका आएगा 69। तो क्या करना, 3 से कितना से गुणा कीजिएगा कि आपका 69 हो जाएगा, तो वही आपका परसेंटेज होगा। तो देखिएगा आपका 23 है, 23 हो जाएगा, 23 69 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 23% क्या हो जाएगा आपका, उसी पे जो बचा होगा उतना प्रॉफिट पर बेचा होगा, ठीक है, 23% पर प्रॉफिट पर बेचा होगा, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना ईजी में सोल्व हो गया, मात्र 3 स्टेप में आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन देख रहे हैं भारी है, ये जब पैसा दिया ना बहुत बचा देखे घबरा देता है कि बहुत कैलकुलेटिव होगा, ठीक है, इतना रुपये दिया है बच्चा सब देखे घबरा देता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में, छोड़ देता है सब क्वेश्चन। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप पढ़ रहे हैं एमसी इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, यहाँ जो भी पढ़ाई होगा इजी वे से पढ़ाई होगा, जिसे मिडिल से मिडिल बच्चा भी समझ सके, ठीक है, और भी फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला। यहाँ पे आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड सब क्लियर होगा यहाँ पे, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपका आंसर आ गया 23% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी पे बेस है, सेम पैटर्न सेम टाइप पे भी। देखिए इसमें क्या कर रहा है, अ शॉपकीपर परचेस फ्यू आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स खरीद रहा है, जिसमें से क्या कर रहा है, ही सोल्ड 1/4, जिसमें से 1/4 जो है किसे बेच रहा है, 30% पे बेच रहा है, रिमेनिंग आर्टिकल से 10% जो बचा हुआ है उसको 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, सो हाउ मच प्रॉफिट परसेंट ओवरऑल, जो ओवरऑल होगा उस पर कितना परसेंट प्रॉफिट होगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो मान लीजिए टोटल हमारा कितना है 1/4 है, 4 में से 1 भाग कितना पे बेच रहा है, मान लीजिए 4 में से 1 भाग कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो देखिए यहाँ 30% है, 1 × 30% तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। जो रिमेनिंग है मतलब 4 में से 1 बेच दिया तो कितना बचा, 3 गुना बचेगा, 3 गुना कितना पे बेच रहा है, यहाँ 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो यहाँ 10% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब पूछा है टोटल, टोटल कितना आपका 4 है, ये टोटल है आपका कितना है, टोटल है, ठीक है, 4 है कि इसको कितना में बेचेगा, यही तो पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए ये a+b है, तब ना टोटल निकलेगा, तो आपका ए दिया हुआ है 1, यहाँ दिया हुआ है 3, तो ये 4 हो गया, ठीक है। मान लीजिए 60 दिया हुआ है, तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो ये आपका तो 60 हो गया, और 4 को कितना चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 60 आएगा, तो आप देखिएगा 15 से कीजिएगा, तो ये आपका 15% यही आपका आंसर हो गया। देखिए बच्चों कैसे हम लोग सोल्व कर लिए, बस यहाँ 3 ही स्टेप में, ठीक है, थोड़ा भी घबराना नहीं है, सब आपका क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप ऐसे चैनल पर आ गए ना, यहाँ पे सब कुछ फ्री में और अच्छे वे में मिलेगा, ठीक है, तो वो घबराना नहीं है। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दूसरे से भी करवा ले, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।